ಬೆಳಗಾಂನ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪೋಟೆ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ. ಸಂದರ್ಶಿಸುವವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಸುರೇಶ್ ರವರು. ಈಗ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮೇರ ಜನ್ಮ ಶಾಪುರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಮೇ ಹುವಾ. 1 May 1923 मई मेरी मराठी में मेरे स्कूल में शिक्षण हुआ. 1937 मैं वर्णाकुल फाइनल हो गए. बाद हाई स्कूल में पढ़ाने के वास्ते गए और 1942 में मैं मैट्रिक पास हो. पहले मैं राष्ट्रवादी में थे. हमारा आदर्श एस एन जोशी, भाऊ साहेब रानडे, सानी गुरु जी ये हमारे आदर थे. नाना साहेब गोरे, शिरभोली में. मतलब आपके छोटे बचपन से ही आपका ये था कि हमने स्वतंत्र बचपन स्टूडेंट लाइफ. हाँ वही स्टूडेंट लाइफ में. स्टूडेंट लाइफ में मेरा आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद मेरा आदर्श था. इनके सब इनके बारे में सब आपने पढ़ा हुआ था? हाँ पढ़ा हुआ था. हाँ मातृभूमि के लिए. हाँ उन्हें क्या किया? हाँ यही वो भी पूछना. मुझे दिल में बहुत श्रद्धा था, मैं ही कुछ करना चाहिए. देश प्रेम देश प्रेम के बारे में कुछ करना चाहिए. इसलिए मैं 1942 में चलने में भाग लिया. और 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने जाहिर किया कि करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया. भारत छोड़ो. और हम भी कुछ जो बोलते कि मेरनोक और कुछ तारा के लिए तारा काटना गेट और दारू दुकान गिराने के लिए लूटने के लिए कुछ पैसा चाहिए स्व मोमेंट के लिए. और हम छोटे थे, करीब करीब 19-20 वर्ष था. और हम उस टाइम पर व्यायाम, कुश्ती, तैरना, क्रीम बदन अच्छा चाहिए बदन को अच्छा मजबूत करने के लिए. इसलिए हाँ पढ़ाई आपकी चलती रही या चलती तब तक पढ़ाई? नहीं नहीं मैट्रिक होने के बाद हम मोमेंट में भाग लिया. हाँ तो पढ़ाई छोड़ दिया. अच्छा. हाँ तो घर वालों ने घर में हमारे पिताजी थे. हाँ. माताजी थे, छोटे भाई थे. तो घर वालों ने क्या कहा आपको? उसका हमारे अच्छी घर में अच्छे थे. नहीं माने उन्होंने मना नहीं किया कि ऐसे चलवले में मत भाग ले. सोचे हम जाएंगे मातृभूमि के लिए. हमारे माताजी और पिताजी ने सोचा जो नहीं मानते जाएंगे. तो वो लोग फिर मना करना छोड़ दिया. हाँ छोड़ दिया. अच्छा. कारण मैं मकान में हमेशा नहीं रहता है, बाहर ही रहता है. हमारे उस टाइम पर बैरिस्टर नाथपाई बड़े नेता थे. बैरिस्टर नाथपाई और हमारे गजानी आलगी बहुत करती भी थे. गजानी आलगी और कामत, हमारे शाहपुर में कामत और केलकर पाटिल ये हमारे से 2 बरस से बड़े थे. अच्छा. हम चलवने काम करते थे उस टाइम पर. 29 नवंबर 1942 में हमारे अटक हो गई. हमारे सब जेल में रखा. बाद कितने दिन रहे जेल में आप? जेल में 18 मंथ से. तो जेल में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा संपूर्ण जेल में हमारी तो हमारे पिता. हाँ. स्नान में पानी नहीं देता है. हाँ नजीक संडास थे, संडास के नजीक वहीं सोना पड़ता था. हो खाना पीना वहीं करना पड़ता था. हो या वहीं करना करण सब भर गए थे. जेल पूरा भरा हुआ था. हो सब स्वतंत्र हो रहा था. स्वतंत्र थे और स्वतंत्र सैनिक थे. हाँ. और कुछ दरोडेखोर वो उनके साथ ही आपको भी रहना पड़ता था. हो, 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 हो. अच्छा घर वालों से मिलने छोड़ते थे खाने पीने को? एक सप्ताह में 15 दिन में देता था. घर में कुछ खाना के लिए लाते थे. हम सब मिलकर खाते थे. अच्छा. तो
तो आपको बाद में पता लग रहा था कि देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे स्वातंत्र के लिए लोग लड़ाई चल रही है? सब, 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 सब देश में स्वातंत्र के लिए स्वतंत्र संग्राम में उड़ी ले जे तरुण और तरुणी सब सब आदि जात गोद भाषा पंथ कुछ नहीं है देश के लिए। तब कोई जात भेद का नहीं, 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 जात भेद कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए बस हमारा देश स्वतंत्र स्वतंत्र होना चाहिए, ब्रिटिश को यहाँ से भगाना चाहिए। अच्छा, इसलिए सब एक गट्ठा होकर संग्राम में रहते थे। कभी के एक दूसरे से ये नहीं था कि भाई मैं इस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ, नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं मिलना है, भाई बहन से एक पीने में। भारत एक कुटुंब है। अच्छा, हाँ, वही में था, ये दिल में था, दिल में था। इसलिए 1940 का संग्राम सब देश में पूरा फैल गया, फैल गया था सब देश में। तो तब आप कहाँ से थे? शाहपुर में ही थे या आप बेलगाम आ गए थे तब? कौन आपका कौन सी जगह से लड़ाई? हम बेलगाम में, बेलगाम में, बेलगाम। अच्छा, पहले शाहपुर में, उसके बाद आप बेलगाम में, बेलगाम जेल भी, बेलगाम जेल में, और बेलगाम जेल में। अच्छा, बाद हम 1942 में मुक्त हो गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद राष्ट्रवाद। कभी आपने गांधी जी से मिले थे? गांधी जी 1937 में मिले, मिले थे, मिले थे। उसका कुछ आपको दूर से देखा? दूर से देखा बस। अच्छा, प्रणाम किया उनको? प्रणाम किया। गांधी जी महात्मा थे, बड़े बड़े व्यक्ति थे, इंटरनेशनल फिगर। हाँ, नहीं तब तो कुछ नहीं था ना, तब बात ठीक है, लेकिन हमारे दिल में यही था कि ये लोग। हाँ, अच्छा, हाँ, गांधी बड़े बड़े नहीं थे, बड़े नहीं, हाँ, आदर रखना चाहिए। अच्छा, हमारे दिल में थे। अच्छा, तभी आपको था देश का बाद। अच्छा, हम सेवा दिन में बहुत देहांत में हम प्रचार के लिए घूमते थे, लेक्चर और समर गीत और कुछ संगठन के बारे में, देश के स्वातंत्र्य के लिए करना चाहिए, हमारी मातृभूमि है, आपके कर्तव्य है, इसलिए तुम एकट्ठा होकर कुछ करना चाहिए, इसलिए हम हमेशा दोहरा कर चलते थे। स्वातंत्र मिलने के बाद आप अपने अनुभव का बताइए, फिर तब आपने खादी पहनना शुरू किया? नहीं नहीं नहीं, स्वतंत्र 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 हम उड़ीन ले लें उस टाइम पर हम खादी पहनना शुरू किया। अरे, खादी के बारे में और पिटी गिन करते हैं हम दारू के बाद में। हाँ, दारू में दारू नहीं पीना चाहिए सबको उसको। हाँ, हाँ, और हरिजन उद्धार, हरिजन उद्धार, हरिजन वाड़े में खाना पीना कुछ पढ़ने के वास्ते हम कार्य करते थे। कैसे था ये हरिजन उद्धार करना था? लोग तब ये कहते थे ना कि हरिजन को घर के अंदर नहीं आना, उसको दूर रखना चाहिए था, वो सब समाज में तो बहुत चल रहा है। हरिजन पेपर प्रकाशित करते थे। हाँ, वो तो था बहुत अच्छा। हाँ, और इंग्लिश बहुत बहुत सफे थे इंग्लिश। वो तो सब कागज पर था, पर समाज में कृति में, कृति में, कृति में कैसे था? हम करने के लिए बहुत कोशिश करी। हाँ, पत्थर वाले हमारे हमारे संस्कार में ये हरिजन है, हम बड़े जात के, ऊंची जात के है, वो भाव नहीं था नहीं हमारे नहीं नहीं था। नहीं, आप में नहीं होगा, पर समाज में तो समाज में था, लेकिन हम नहीं मानते है, हम पर जो मानते थे उनको आपने उसको उनको समझने के हमें कोशिश करते थे। वही तो कोशिश कोशिश करते थे कि उसको समझने के वास्ते हमारे कार्य हरिजन उद्धार के लिए आगे। तो आपके घर वाले मान गए, माँ बाप वो लोग, उनको शायद ये पसंद आया नहीं, उनके भाव कैसे थे, उनके मालूम थे ये अच्छे है, लेकिन संस्कार और परंपरा नहीं छोड़ते थे। हाँ, वो ही तो मैंने, क्योंकि इतने सालों से एक उनके परंपरा थी, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और लेकिन मेरे साथ कुछ चर्चा मेरे के मैं कुछ अच्छा नहीं किया ऐसे नहीं बोलते। हाँ हाँ, उसको मालूम थे कि ये अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कि उसको तो नहीं क्या कि इसको वो खुद करना चाहता है समाज के लिए कुछ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर आपकी शादी कब हुई? फिर आपके मेरी शादी बहुत ज्यादा उम्र थी मेरी शादी के बाद मैं गोवा मूवमेंट में भाग लिया 1950। अच्छा, उसमें भी आपने भाग लिया? हाँ, भाग लिया। हाँ, पुर्तगीज गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, पुर्तगीज गवर्नमेंट। हाँ, पुर्तगीज गवर्नमेंट में मैं बहुत कार्य किया 1950। क्या कार्य किया, क्या 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 किया? गोवा में करीब करीब दस तालुके, दस तालुके में मैं अंडरग्राउंड वर्क करता था, एक गट्ठा
करने के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए, लड़ना चाहिए। देखो पुर्तगीज करीब करीब 450 बरस राज कर रही है, 1510 तो आज तक राज कर रही है। तुम्हारे स्वाभिमान कहाँ गए? हम प्रचार करता था, लेकिन गोवा में गरीबी ज़्यादा, बहुत पेड़ जंगल, बड़ा जंगल थे, इसलिए लोग डर कर भाग नहीं लेते थे गोवा में। और लैंग्वेज कोकणी, दूसरी लैंग्वेज पुर्तगीज, मराठी सब लिखान सब मराठी, मराठी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कोकणी मुझे बोल तू हंगा कित्याक पावलो, किती जाय तुका, तू घाटी मरे, तू हमका शिकेता, वो असं बोलते है। तुम देश में, तुम्हा बेलगाव में यहाँ कुछ काम है, किस लिए आया, क्या चाहती हो? हम सब जानते हैं। कोई आपको खुशी से उधर नहीं आने देते? नहीं, 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 नहीं। तो फिर क्यों गए आप? क्यों गए फिर, जब लोग नहीं चाहते थे तो फिर गए क्यों? गया हूँ कि हमारे साथ वहाँ कॉलेज है, अरपुड़ी कॉलेज, वहाँ हमारे दोन फ्रेंड मिला, एक विश्वनाथ लौंदे और प्रभाकर सिनारी, दो के बड़े थे। प्रभाकर सिनारी व्यायाम के लिए सामर्थ्य मंदिर में आए थे, ठलोकड़ी में सामर्थ्य मंदिर है व्यायाम करने के लिए। उस टाइम पर हमारी जो पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, यानी उन्हें मुझे रिक्वेस्ट किया कि तुम गोवा मूवमेंट में आओ, इसलिए भाग ले, उसलिए मैं भाग लिया। उस टाइम मेरे मेरी हेल्थ अच्छी थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा, मैं भाग लिया। बाद उन्हें सब मदद किया मुझे वहाँ अंदर गोवा में, गोवा में एक कि स्वातंत्र लिए, स्वातंत्र के लिए वहाँ उठाव नहीं है, स्वातंत्र लिए कुछ करना चाहिए और गोवा के अंदर, गोवा के आदमी में नहीं है, उनमें वो भाव नहीं, 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 किसी को नहीं, नहीं, नहीं था। भाव करिए 100 में ही एक, एक शंबर में दो, 1000 में 10। वो लोग उसी सरकार से खुश थे? खुश थे, देव मानते थे, और हेल्थ अच्छी नहीं थी, सब दुबले थे, दुबले थे। हाँ, पर खाना अच्छा नहीं मिलता है वहाँ, सब चावल और रस, दूध नहीं मिलता है वहाँ। करीब करीब 3 बरस में ही अंडरग्राउंड वर्क गया। बाद मुझे एक घाट है, सुरल घाट है, ये सुरल घाट में मुझे गिरफ्तार किया पुर्तगीज ने, बहुत पिटाया। बाद मुझे साकड़ी लेकर गए, म्हापसा लेकर गए, पणजी कैपिटल सिटी पणजी में लेकर गए। बाद मानिकोम बोले तो मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं है, मैड, उसे हॉस्पिटल पागल पागल में मुझे रखा। मैं एकटाच इंडियन, बा कौन नहीं है उस टाइम पर, मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं मंगता गया, मैं बात सब निग्रो पारे करे, सब निग्रो एक ये बोलते कि वो मुझे यो हफ्सी वहाँ बोलते खापरी, उस पारे करी खाने को फक्त चावल, एक टाइम पर चावल और रस, दूसरे का नहीं, एक आधा ये पापड़, दूसरा मिल नहीं मिलता है। बाद हम करीब करीब 4 महीने मुझे हो गए वहाँ, सत्याग्रह नहीं था वहाँ, 1955 में सत्याग्रह हो गए गोवा में, गोवा में मैं सब इंडियन सावंतवाड़ी पेटने वहाँ से। उस टाइम पर मुझे शिक्षा होगी, पहले वहाँ एक मारेकरी था अजंत मुंतेरो, उसकी ऊंची 7 फुट 3 इंच था, माँ भयंकर भयंकर माँ भयंकर राक्षस था, मैं कुछ नहीं बोलता है, इसलिए उसके हवाले कर दिया। हमेशा रात्रि रात को 1 बजे लेते थे मेरे स्टेटमेंट लेने के लिए, स्टेटमेंट मैं मौन स्वीकार है, कुछ नहीं बोला। कारण हर एक आदमी से मुझे संबंध, खाना पीना, बैठना, बैठक लेना, मीटिंग लेना, क्या बोलना।
कुछ नहीं, मैं उन्हें मुझे बहुत बहुत पिटाया और ये बोलते हैं कि वो बर्फ बर्फ पर लिटाया ले यार। अनि बाद मैं बेशुद्ध हो गए, अनि बाद रूम में मुझे फेंक दिया। मग बाद जो स्वतंत्र सैनिक थे उन्हें कहा देखो ये तो ये पुर्तगीज में दूतर बोलता है डॉक्टर को, दूतर आप देखिए उसको हॉस्पिटल में लेकर जाओ नहीं तो ये मर जाएगा। उसको क्या बात है मालूम नहीं है, हॉस्पिटल में मुझे डाल दिया। करीब करीब 3 महीने थे बाद अच्छा हो गए। बाद फिर पणजी में आए, फिर मेरे केस आर्मी में डाली मिलिट्री कोर्ट में। आने बाद मुझे शिक्षा बड़ी होगी, 19 बरस मेरे शिक्षा हो गई। मैं करीब करीब 5.5 से 6 बरस थे जेल में गोवा में अगवाद इसको बोलता नटरियल बोलता है कुरुप्रसिद्ध। 1670 में जो पुर्तगीज ने बना था वहाँ था। अरे हमारे साथ जगन्नाथ राव जोशी भारतीय जनता पक्ष और नाना से गौरे सब आपके साथ जेल में जेल में थे। बड़े नेते थे हमारे साथ, बहुत पुर्तगीज ये गोएकरी थे। और उस टाइम पर सुधा थे जोशी नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस पणजी में थी। सिंधु तई देश पांडे थी पणजी में थी। बात 1960 में हमारी मुक्तता हो गई, जेल से मुक्ति तो हो गई। मैं हमारे दोस्त प्यारे दोस्त बैश्यनाथ पे ने मुझे वहाँ शिक्षक पेशा मिलेगा। बहुत पढ़ाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। बेलगाम में थरुगड़े अच्छा केंद्र है, वहाँ स्कूल में मैं शिक्षक बन गई। अरे बात मुझे मेरे एज 38 था शादी। बाल हमारी पत्नी अच्छा मिली, हमारा एक लड़का और 2 लड़कियां है। लड़का मेरा यमकाम है कोल्हापुर में है, लड़के शादी हो गई। और हमारी जो बोलते हैं कि डॉटर इन लॉ सुन बोलते हैं ये एमए बीएड है, मीडियम इंग्लिश में अच्छी है, ये पढ़ाती है। लेकिन आज मैं देखता हूँ सब देश में राष्ट्रीय भावना नहीं है। अभी क्या लगता है आपको देश में, क्योंकि आप लोग इतने साल जेल में गए, फिर अब क्या लगता है आज के नौजवान के लिए आदर्श नहीं है। मातृभूमि में प्रेम नहीं है तो उनको ठीक मार्ग पर लाने वाले भी शायद नहीं है ना। आप लोग उनको ठीक उसके आपकी बात ठीक है, शिक्षा नहीं दे रहे उनके उनके दिल में शॉर्टकट में ज्यादा पैसा कैसा मिलेगा 2 दिन में। हम तो आज करोड़ होना चाहिए, समाज भी ऐसे हो गया ना, उसको जीने के लिए उसको राह चाहिए, इसलिए वो शायद वो ऐसे कर रहे हैं ना। नहीं मां बात मंजूर है लेकिन मातृभूमि से प्रेम नहीं। तो प्रेम चाहिए रास्ते पर लाने के लिए आपने भी कोई मेहनत नहीं मैं महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा में बहुत लेक्चर दिया, हाई स्कूल और कॉलेजेस में बहुत लेक्चर दिया कि मातृभूमि राष्ट्रीय नेता और चारित्र्य जो बोलते बड़े आदमी के लिए प्रेम दिल में प्रेम। इसलिए मैं बहुत किया 1968 टू 1998 तक मुझे मालूम हुआ कि सब ड्रामा है, प्रेम जब बोलते हैं मोहब्बत नहीं है। अनि ये जो शिक्षण पद्धत है ही सिर्फ मटेरियल जो क्या बोलते हैं इसको ड्रामा नाटक है, इसको उत्कर्ष के लिए कि देश के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, ओनली फॉर शो दिखाने के लिए। आज एक बड़े आदमी आता है इसके सामने नहीं बैठना, इसको रिस्पेक्ट देना, इस आदमी में कुछ करना यानी कुछ सुनने के बहुत अच्छा है, वो भाव नहीं है, नहीं है। इसलिए अभी हमको लगता है देश के बारे में क्या होता है, इसके उन्नति के रास्ते पर नहीं निकल रहा देश नहीं, नहीं 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 उन्नति के बारे में नहीं है नहीं। कैसे अभी देखिए तब आपके जमाने में आज के जमाने में कितना देश हर
हाँ, कितनी उन्नति हुई है ना, क्यों नहीं हुआ? नहीं बात ये नहीं, आज जी हमारे 50 साल पहले और आज के दिन नहीं है किस कैसे कैसे तो नहीं है, लूटमार खून लड़की के बारे में, शिक्षण के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, बिजनेस के बारे में, हमेशा हमेशा संकट संकट संकट, नया नया सबसे काय निकलता है, इस देख कर दुख होता है कि क्या इसको कैसे इसको कैसे हम देश इसके को एक रास्ते पर लाने दो के दो दो पर्याय, एक माँ और बाप, पिताजी और माताजी और गुरु, उनको क्या करना चाहिए? इसको संस्कार चाहिए, संस्कार हमेशा संस्कार। एक क्या करते है स्कूल में, क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं, कहाँ जाता है, टाइम पर आता है कि नहीं, खाना खाते कि नहीं, स्टडी करते कि नहीं, ये हमेशा देखना चाहिए। कुछ पैसा खर्च के लिए तो नहीं हो सकता है, हमेशा देखना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए, नहीं करता है, हाँ पैसा ले, हाँ जाओ, तो घर में संस्कार संस्कार चाहिए। बात गुरु 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 ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरु बहुत श्रेष्ठ पद है, गुरु ने कुछ कर्तव्य करना चाहिए, क्यों कि गुरु ये भूमिका बहुत पवित्र भूमिका है। गुरु शिष्य आज नहीं है, आज क्यों नहीं है कि गुरु कैसा होगा, कुछ ड्यूटी है, कुछ कर्तव्य है, ये भावना नहीं है। सर नौकरी तनख्वाह ज़्यादा है, इसलिए गुरु कर्तव्य करना चाहिए, बात कुछ चेंज होगा। आजकल आपके अपना समय कैसे बिताते हैं, आपको कैसे है? हमारा समय हमारे मैं बहुत संगठन में काम करता हूँ, कार्य से सामाजिक कार्य से आप समाज की कुछ सेवा कर रहे हैं? कर रहे हैं वेलते मैं पढ़ता हूँ, मेरी लाइब्रेरी है, हमें मेरी नहीं, इससे आपकी सेवा कैसे, आप भी अभी भी फिर समाज की सेवा करने की प्रयास? हमारे भगिनी मंडल है, जेंट्स मंडल है, और हमारे मराठा मंडल है, उसमें जी जो बोलते हैं कि शादी के बारे में वधू वर मेलावा और व्यसन मुक्ति, और आपका जो जो संसार बोलता है शादी होने के बाद कैसा करना चाहिए, शिक्षण के बारे में व्हाट वे, इसी बारे में हम कार्य करते हैं समाज में। आप फिर भी आज भी आज चुप तो नहीं बैठे आप? नहीं चुप नहीं बैठे, आज ही करते हैं। और अभी भी खादी इस्तेमाल कर रहे हैं? हो खादी के बारे में क्यों, सिर्फ आप ही करते हैं, आपके घर वाले? घर वाले किसी को आपने बोल? घर वाले नहीं करते, घर वाले समाज के बारे में, समाज कैसा चल रहा है इस बारे में सोचते हैं, चिंता नहीं है सोचते हैं और चल करते हैं, पर सिर्फ आपको चिंता है? हाँ, मैं चिंता करता हूँ, मेरी मातृभूमि भारत है। भारत है तो आजकल के नौजवान को क्या बोलेंगे, आपका अपना संदेश क्या है कि कैसे मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, भारत में जन्म हुआ भाग्यवान है, इसलिए तुम कुछ करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद बोले थे, द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, गीता में बोले नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनयंत्यापो न शोषिति मारुता। एक दिन जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, सबसे बड़ा कौन है, मानव, मानव ने कुछ करना चाहिए, मातृभूमि। गौतम बुद्ध ने बोला है तुम भूमि से जा रहे है इसलिए करना चाहिए, करो मुक्ति मिलेगा, तुम्हारे मानव जीवन सफल हो जाएगा, इसलिए मातृभूमि की सेवा के लिए आदर्श चाहिए, और वो आदर्श माता पिता और गुरु, इन्हीं पर जिम्मेदारी है, तीनों को सेवा करना चाहिए। हो राष्ट्रप्रेम के बारे में आप थोड़ा अपना बोलिए। विद्यार्थी और यंग सा मातृभूमि के लिए हमेशा दिल में शुद्ध प्रेम रखना, व्यसन मुक्ति से बहुत लंबा रहना, इसलिए व्यायाम कसरत। बात कुछ हमेशा पढ़ना, और माता और पिता
गुरु, इसलिए भक्ति रखना दिल में, ये आदर्श है। और देश के बारे में हमेशा देश कैसा ऊंचा रहेगा, ऊपर जाएगा, विकास होगा, इस बारे में मैं क्या करूँगा, मैं कुछ करना चाहिए, इसलिए चिंतन करना चाहिए। ये नहीं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम कुछ किया, तुम्हारे लिए दिया, तुम करना चाहिए, हम बुढ़े हो गए, हमारी करते हम तो उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है ना। आप बड़े लोग, आप उनको बताएंगे तो वो करेंगे, नहीं तो उनको कोई बताने वाला नहीं है कि वो कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक रास्ते पर जाने के लिए नहीं, कुछ करना हम करते कर, हम हमेशा कर रहा हूँ, लेकिन लेना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ लेना चाहिए, यानी लेने के बाद कुछ होता है तो वो उनको देने के लिए प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। हम करता हूँ, हमेशा करता हूँ। और आप सोचते हैं औरत का भी कितना समाज में इसका पात्र है? औरत तो बहुत कम है, औरत जस्ट लाइक गॉडेज, ये औरत हम बोलते हैं, लेकिन औरत एक शक्ति है, ये सब कर सकते हैं, जब तक ठीक कोमल है दिखाने के, ठीक है, लेकिन रुद्र अवतार धारण जब करते हैं कार्य सफल हो जाता है। अवतार से ही सफल होता है औरत को। हाँ, इंदिरा गांधी देखो, औरत थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तब समाज में आदमी लोग तब नहीं मानते ना, एक औरत मानना ही पड़ेगा। मानता नहीं है, ही भूल है। मानना चाहिए कि औरत शक्ति है, हमारे साथ चाहिए, कार्य सफल हो जाएगा। औरत और पुरुष को साथ मिलकर करने से करना चाहिए। ये सब फिर और आपको कोई संदेश देना चाहेंगे और किसी को? मातृभूमि का प्रेम हमेशा रखना चाहिए, हमारा आनंद उपकार है, इसलिए प्रेम करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम रक्षण करो। ಇದುವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪೋಟೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಳಗಾಂ, ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಉಷಾ ಸುರೇಶ್ರವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ.